हे गाइस, आज है अगस्त की 21 तारीख और यहाँ पे है हमारे पास अलग अलग टाइम पे लगाई हुई मक्की। तो मक्की को गर्मियों के दौरान लगाया जाता है, आमतौर पर इसको बरसात के दौरान लगाया जाता है क्योंकि इसको पानी की जो है डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट में जो मक्की है वो काफ़ी जल्दी आ जाती है, इवन जून जुलाई में भी आपको मक्की मिल जाएगी। तो आमतौर पर कुछ किसान क्या करते हैं कि मक्की को मार्च अप्रैल में लगा देते हैं, मई जून में भी लगा देते हैं इनके जो बीज है। तो ऐसे में पानी आपको खुद देना पड़ेगा, तो उसमें जो मक्की लगेगी वो काफ़ी जल्दी तैयार हो जाएगी। तो मार्केट में आपको वही मक्की 10-20 रुपए में भुनी हुई मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने जुलाई के दौरान लगाई थी, ये देखिए जुलाई की यहाँ पे लगभग शुरुआत में ही हमने इसको लगाया था। तो ये तकरीबन अभी कुछ ही टाइम में तैयार हो जाएगी, लेकिन अभी ये कच्ची है। तो यहाँ पे ये थोड़ा इसको जो है और थोड़ा लेट लगाया था, 4-5 दिन इसके बाद। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा कुछ को हमने जून में लगाया था, लगभग जून की शुरुआत में ही। तो ये देखिए, हमने कुछ मक्की यहाँ से तोड़ी भी है, तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये जो मक्की है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी आप इसको जल्दी लगाओगे उतनी अच्छी जो फसल है आपको उतनी ही जल्दी तैयार हो जाएगी। बट होगा क्या कि इसको पानी आपको खुद देना पड़ेगा। जैसे जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो हो सकता है हर तीसरे दिन आपको पानी देना पड़े, लेकिन इस बार हमें इनमें ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ा। टाइम टू टाइम बरसात होती रही, काफ़ी बारिश हुई। तो जो हमने पहले लगाई थी, ये देखिए मक्की, ये तैयार है। जो थोड़ी सी लेट लगाई, ये देखिए इनमें अभी दाने पूरी तरह से तैयार नहीं हुए। तो एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है, जब भी आप मक्की लगाएं तो कोशिश यही करें कि उनमें अच्छा खासा गैप हो। ये देखिए, ज़्यादा इनमें जो है ये डेंस नहीं होनी चाहिए। इनके जो पौधे हैं देखिए काफ़ी दूरी पे है, तो जितनी ज़्यादा क्लोज होंगे तो कुछ पौधे क्या होंगे, ये देखिए जैसे ये है, जब ये तैयार भी हो जाएगा तब भी इसमें कुछ खास अच्छी मक्की नहीं लगेगी। तो ऐसे में जो है ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मक्की में कितने दाने हैं थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे ये देखिए, वो देखिए, यहाँ पे एक पक्षी का घोंसला भी है। तो अभी तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, इसमें दाने बिल्कुल तैयार हैं। तो इसको हमने जून में लगाया था, तो अभी देखिए ये जो मक्की है ये बिल्कुल तैयार है। तो इसको पहले लगाया था, ये मक्की पहले तैयार हो जाएगी। इसको थोड़ा लेट लगाया है, तो ये मक्की थोड़ा सा और लेट तैयार होगी। तो कहने का मतलब है, जो मार्केट में आपको आप मक्की देखते हो, जिसको मतलब जो भुनी हुई आपको मिलेगी, वो तकरीबन उनको इसीलिए ही शुरुआत में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है। तो मक्की को लगाना काफ़ी आसान है, यहाँ पे हमने इसको 100% नेचुरल तरीके से उगाया है और इसमें हमने गोबर खाद मिक्स की है, थोड़ी सी बाद में हमने लीफ कंपोस्ट भी इसमें मिक्स की थी। और बस इसको टाइम टू टाइम पानी चाहिए, बाकी रिजल्ट आपके सामने है। तो यहाँ से एक मक्की को हम निकाल लेते हैं। सो गाइज, मक्की को आप जितना जल्दी लगाओगे उतना ही जल्दी आप इसको हार्वेस्ट करोगे। तो नॉर्मली 3 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाती है, लेकिन अगर आपने उनको ज़मीन में लगाया है जैसे ये है और वहाँ पे उसकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, तो लगभग 2.5 महीने में ही आपको कुछ ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइज, अक्सर मैं प्लांट्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लगातार ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और उनका अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें। और मिलते हैं किसी और प्लांट्स की वीडियो में। धन्यवाद।